कटिहार सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने मंगलवार को फ्लड कंट्रोल के अधीक्षण अभियंता कार्यपालक अभियंताओं के साथ काला गोला के विभिन्न स्थानों का जायजा लिया। इस दौरान बिरारी विधायक विजय सिंह मौजूद थे। मौके पर कटिहार सांसद ने फ्लड कंट्रोल के अधिकारियों को कटाव निरोधी कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने बताया कि गंगा नदी में कटाव कई जगह तेजी से बढ़ा है। मनियारी के बागमारा में कटाव तेजी से हो रहा है, जिसके कारण गंगा का कटाव रेलवे लाइन के नजदीक लगभग 35 मीटर करीब चला गया है और प्रोटेक बांध के 16 मीटर नजदीक चला गया है। उन्होंने बताया कि इस बार गंगा का कटाव एक अलग ढंग से हो रहा है, क्योंकि पानी को जाने का मार्ग नहीं मिल रहा है। सांसद ने बताया कि अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को कुरसैला से मनिहारी तक और फिर मनिहारी से अहमदाबाद तक नदी का जो कटाव हो रहा और पानी का बहाव का जो वेग है और सिल्टेशन है, एक एक चीज को बारीकी से देखना है। गंगा नदी में कटाव कई जगह तेजी से बढ़ा है। उसी क्रम में पिछले 2 दिन पहले हम लोग मनिहारी का बगमड़ा गए थे, जिसमें कटाव हो रहा है और गंगा का कटाव रेलवे लाइन के नज़दीक लगभग 35 मीटर करीब चला गया है और जो बांध है प्रोटेक्ट बांध उसका भी 16 मीटर नज़दीक चला गया है और गंगा का कटाव एक अलग ढंग से हो रहा है, क्योंकि पानी को जाने का मार्ग नहीं मिल रहा है। तो उसी में हम लोग उसमें निरीक्षण किए थे और उस दिन भी कार्यपालक अभियंता मेरे साथ थे, फ्लड कंट्रोल। आज तो एसी साहब है और तीनों डिवीजन का जो कार्यपालक अभियंता है, हमारे बरारी के माननीय विधायक जी भी हैं। तो हम लोगों ने उस दिन तय किया था कि कुरसेला से मनिहारी तक और फिर मनिहारी से अहमदाबाद तक नदी का जो कटाव हो रहा है, पानी का जो बहाव का वेग है और सिल्टेशन है, एक एक चीज़ को बारीकी से देखना और जहाँ सिल्टेशन हटाने का होगा उसको करना है। पानी का तेज बहाव को रोकने के लिए अगर कहीं ठोकर का आवश्यकता है, जिसको स्पर कहते हैं, जो आपका यहाँ पर है 8 नंबर और 9 नंबर स्पर के बीच हम लोग हैं, तो ये बात आई है कि आगे स्पर का ज़रूरत है, बाकी जगह कटाव निरोधी कार्य का ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो कटिहार जिला के साथ है, गंगा जब ऊपर से निकलती है तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी के हिसाब से आती है, लेकिन कहीं जमुना मिल रही है, कहीं सोन मिल रही है, कहीं गंडक मिल रही है, अपना कुरसेला में कोसी मिल रही है, उसके बाद गंगा का पानी का घनत्व भी बढ़ जाता है, उसका वेग भी बढ़ता है। फ्लड के समय तो लगभग 27 लाख से लेकर के 35 लाख तक का जो है पानी का दबाव रहता है, लेकिन ये दबाव अपस्ट्रीम में नहीं रहता है। तो कटिहार जिला में जो गंगा बह रही है, इसमें सभी सहायक नदियों का पानी रहने के कारण वेग बहुत अधिक है, कटाव अधिक होता है, बड़ी आबादी प्रभावित होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने इस कटाव निरोधी के लिए जो इंजीनियर का टीम है कटिहार का, इनको लेकर के घूम रहे हैं और फिर राज्य सरकार से हम लोग मांग किए हैं, एक एक्सपर्ट टीम आएगी और वो भी सर्वे करेगी। और हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं तो हमारे जो यहाँ के अभियंता है, ये लोग इसका एक रिपोर्टिंग करेंगे और दोनों रिपोर्टिंग के आधार पर सरकार से हम लोग डिमांड करेंगे। और गंगा नदी है तो केंद्र सरकार का भी